ओके okay. देखो रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पावर पावर क्या होती है हमेशा इनकी ऑर्डर तो ए के रेस्पेक्ट में बोला गया फर्स्ट ऑर्डर और बी के रेस्पेक्ट में बोला गया सेकेंड ऑर्डर तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज थ्री ठीक है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज थ्री अब बोला गया है कि जो हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन है ए और बी की वो डबल कर दी गई है तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो हमने लिखा आर इक्वल टू के कंसेंट्रेशन को क्या करना है डबल करना है तो ये हो गया डबल टू ए टू पावर वन और टू बी टू पावर टू तो यहां से आप इसको लिख सकते हो आर इक्वल टू के तो चेंज होना है नहीं के देखो इसमें ए जो ए की पावर वन अलग कर रहा हूं B की पावर टू अलग कर रहा हूं यहां से टू बाहर आ जाएगा और यहां से फोर बाहर आ जाएगा टू की पावर टू आ गया फोर देखो ये जो डेटा है हमारे पास दिस इज इक्वल टू दिस तो ये हमारे पास क्या है आर है ना तो आर इक्वल टू इसको आर डे लिख लेते हैं मैं ना आर डे आर डे इक्वल टू ये हो गया आर और ये हो गया इन टू एट तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज एट टाइम्स तो हम कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो नंबर फोर में प्रेजेंट है ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर